आज समस्त पत्रकार जब एक पत्रकार साथी के साथ भाजपा नेता के द्वारा की गई अभद्रता के संबंध में सिटी कोतवाली आवेदन देने पहुंचे तो भाजपा नेता दिनेश शर्मा के साथ शत्रुघ्न शर्मा जो कि एक भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पत्रकारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्रकार तो उठाई गिरे होते हैं। दरअसल मामला यह है कि शहर में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल चल रहा था, इसी के चलते पत्रकार शंकी रहबर के द्वारा वार्ड नंबर 16 के भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी के द्वारा लगातार कवरेज की जा रही थी। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी दिनेश शर्मा के द्वारा पत्रकार के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया और गालियां देते हुए कवरेज करने से रोक दिया गया। इस संबंध में FIR की मांग को लेकर समस्त पत्रकार सिटी कोतवाली में उपस्थित हुए, लेकिन इसी बीच एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा पत्रकारों को उठाई गिरा बताया गया। इस संबंध में उनके द्वारा माफ़ी मांगते हुए कहा गया कि चलो मुझे माफ़ करो, आप सभी बड़े बाप के सही, इस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग किया। इस पर पत्रकारों ने एक आवेदन देते हुए सिटी कोतवाली प्रभारी को आवेदन देते हुए भाजपा कार्यकर्ता शत्रुघ्न शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। सवाल यह है कि प्रशासन और सत्ता में चल रही पार्टी प्रशासनिक अधिकारी के बोल हैं, पत्रकारों अपनी हद में रहो। भाजपा कहती है कि तुम उठाई गिरा हो और कवरेज के दौरान उन्हें गालियां दी जाती हैं। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ अगर इसी तरह का बर्ताव होता रहेगा तो फिर आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा, ये सोचने वाली बात है। 6 जून को जब जिले में मतदान चल रहा था उस समय आप वार्ड क्रमांक 16 में कवरेज करने गए थे, तो आपके साथ कुछ अभद्रता हुई है, उसके विषय में बताएं। जी, मैं बताऊँ आपको, वार्ड नंबर 16 के 85 बाजार के दिनेश शर्मा के द्वारा मेरा मोबाइल छीना जा रहा था, ठीक है। मोबाइल छीनने के साथ साथ मेरे साथ में गाली गोल भी गई और मेरी रिपोर्टिंग बंद की जा रही है। क्या वजह रही? तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? या तो उनकी सीटें कम आ रही हैं, घबरा रहा है, बौखला रहा है, बौखला रहे हैं। कहीं आपके उसका एविडेंस भी होगा आपके पास? मेरे पास पूरा प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, अभी आप सिटी कोतवाली आए हैं, अपने तरफ से पूरा आवेदन दिया कि आपको उचित कार्रवाई की गई मैम। अच्छा, मतलब आश्वासन मिल गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? यही चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी अपना याद रहे। राजीनामा आप बिल्कुल नहीं करेंगे? और पार्टी से निष्कासित होना चाहिए। इस पूरे मामले में एक घटनाक्रम सामने आया कि अभी आप बहुत सारे पत्रकार बना के थे और उस समय पत्रकारों को अभद्रता की गई, उस विषय में क्या कहना चाहिए? आइडिया रही उठाई गिरा बोला गया पत्रकारों को, या पत्रकार लोग मुझे मतलब कोई इज्जत नहीं बची, जो आता है कुछ भी कह जाता है। कोई शर्मा जी हैं कैंट वाले जी के द्वारा शत्रुघ्न शर्मा, ऐसी जानकारी है कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी और फिर माफ़ी मांगने की अच्छी बताइए पत्रकारों को, जी यू पाई बची है बताइए आप। कोई भी आएगा गाली देके चले जाएगा, उठाई गिरा जाएगा। कल कैंट में वार्ड क्रमांक 33 में भी आप गए थे, आपको सूचना लगी थी कि फर्जी मतदान हो रहे हैं, तो उस पर भी सुना है कि आपको ADM वगैरह ADM जी द्वारा कुछ अभद्रता की गई, पत्रकारों का मतलब व्यवहार नहीं किया गया, उनको उल्टा सीधा बोला गया। नहीं तो आप क्या उस समय कवरेज कर रहे थे? मैं भी वहीं पहुंचा था। क्या कहा उन्होंने? मिली थी मेरे को कि वहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार भाइयों के साथ मिली नहीं गई है। क्या कहा पर पहुंचा? क्या कहा था उन्होंने? कहा कि आप कहाँ से निकली है, आप कैसी पत्रकारी कर रहे हैं, पत्रकार रहो, पत्रकार के हद में रहो, ये शब्द कहे थे। ये आप